দুতলা হাইট যাবে, গিয়ে পুরো নোট 500 পিসের মতো নোট আছে, পুরো নোট টাকা পড়বে। আচ্ছা, প্রাইস প্রাইস তো আজ মে আ গয়া হুঁ চিংড়ি পোতা মে। ये वेस्ट बंगाल की बहुत ही बड़ी पटाखे की हब है। यहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्शन होता है पटाखे की, और हर तरह के पटाखे मिलते हैं यहाँ पर। ऑल ओवर इंडिया में इसका एक्सपोर्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ दुकानदारों से और उनसे थोड़ा प्राइस वगैरह जानेंगे, और यहाँ पर किस तरह के पटाखे मिलते हैं उसको भी आपको दिखाऊँगा, और उनके प्राइस भी बताऊँगा, और आपको अपने इलाके में किस प्राइस में वो पटाखे मिलते हैं उसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। आपको बहुत ही डिफरेंस मिल जाएगा, कितने रुपीज़ का प्रॉफिट वो लोग बनाते हैं यहाँ पर कितने सस्ते में मिलता है वो आप देख सकते हैं। पूरी लोकेशन मैंने डाल दी है कहाँ पर ये है और आप किस तरह से आ सकते हैं यहाँ पर, पूरी मैंने गाइड किया है आपको। तो आप पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं, इनसे बात करते हैं। पीछे एक दुकान है मेरे, तो वहाँ से थोड़ा बात करूँगा। और मुझे लगता है कि इनको हिंदी नहीं आती होगी, तो पर मैं ट्राई करूँगा, अगर ये हिंदी जानते हैं तो हिंदी में इंटरेक्ट करूँगा। पर मुझे नहीं लगता हिंदी में बात करना उतना इजी होगा इनके लिए, कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो मैं इनसे बंगाली में ही बात करूंगा, तो और बाद में आपको समझा दूंगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट मैं आपको रास्ता बता देता हूं आपको यहां तक कैसे पहुंचना है। तो अगर आप तारदल्ला की तरफ से आ रहे हैं तो आपके लिए दो बसेस हैं, वहां से 77A पकड़ सकते हैं। पर मेक श्योर कीजिएगा कि आप बस वाले से पूछ लें, क्योंकि 277 होती है, एक बाटा के अंदर चली जाती है, तो वो वाला मत पकड़िएगा आप। दूसरी वाली जो है, जो बिरला पुल जाती है, उसको पकड़िएगा तो आपको वो नुंगी उतार देगा। इस स्टॉपेज का नाम है नुंगी। बहुत कोई चिंगड़ी पोता भी जानते हैं, तो चिंगड़ी पोता भी अगर आप बस कंडक्टर को बोलेंगे तो आपको वो उतार देगा। और एक बस का नाम मैं बताऊंगा, जिसका नाम है SD30 जो कि तारदल्ला से चलती है, उसको आप पकड़ के यहाँ तक आ जाएंगे। अगर आप तारदल्ला की तरफ से आ रहे हैं, कोई डायरेक्ट ऑटो नहीं मिलेगा आपको, ये हमेशा आपको याद रखना है। और अगर आप ब्याला चौरास्ता से आ रहे हैं, तो आपको ब्याला से अगर आ रहे हैं तो चौरास्ता से आपको डाकघर तक का ऑटो मिल जाएगा, और फिर डाकघर से आपको और एक ऑटो करना पड़ेगा या बस, आपकी जो इच्छा है। और अगर आप बजबज की तरफ से आ रहे हैं तो आपको नुंगी उतरना पड़ेगा, नुंगी स्टॉपेज पे, तो वैसे भी कर सकते हैं। आप ट्रेन रूट भी ले सकते हैं, जिसका नियर बाई स्टेशन पड़ेगा नुंगी, वहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉक करके आप आ सकते हैं। मैं अगर एक अच्छे लैंडमार्क की बात करूं तो आप टेक्नो इंडिया भी बोल सकते हैं, इसके इस गली के अंदर ही टेक्नो इंडिया है, और इस गली में ही आपको ये मार्केट मिलेगी, ये जो पटाखे की मार्केट है। तो आप टेक्नो इंडिया का बैनर देख सकते हैं वहाँ पर, कॉलेज का, टेक्नो इंडिया ग्रुप कॉलेज है, वो आप इसको भी एज अ लैंडमार्क यूज़ कर सकते हैं। और आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप सारे सेफ्टी मेजर्स का पालन करते हुए अब जो कुछ भी खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी शॉप ओनर्स हैं वो सारे मेजर्स मेंटेन कर रहे हैं, वो सैनिटाइजर्स वगैरह सब यूज़ करते हुए ही आपको शॉप करवाएंगे। सरकार থেকে তো কোনো হেল্প আসছে না, কিছুই পাচ্ছি না। মানে যেটা আমাদের একটা ছাড় দিলে ভালো হতো, কারণ আগে থাকতো আমরা কোনো ইনফরমেশন পাইনি যে বন্ধ হতে পারে বা এরকম একটা ইয়ে, এখন সেই জন্যে আমাদের কিছু ছাড় দিলে ভালো হতো, দু একটা দিনের জন্য ছাড় দিলে কিছুটা রিকভার করা যেত, যেটা ক্ষতির আশঙ্কা হচ্ছে সেই আশঙ্কা থেকে দূর হতো। আচ্ছা, আপনাদের এই যে বাজির মার্কেটটা লকডাউনের সময় পুরোপুরি বন্ধ ছিল? হ্যাঁ, লকডাউন তো সবভাবে মেনে বন্ধ ছিল। কতদিন আগে এটা খুলেছে? এটা মূলত সারা বছরই মার্কেট, এটা এছাড়া সারা বছরই খোলা ছিল, লকডাউনের সময় লকডাউন পিরিয়ডে বন্ধ, এছাড়া সারা বছরই খোলা। তো इस साल की मार्केट का क्या हुआ है? बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, आपको सभी को पता हुआ, हर इंडस्ट्री मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर ये जो पटाखे की मार्केट है ये पूरी साल ही चलती है, और पूरी साल ही ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इस साल बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, और मतलब यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी है, तो यहाँ पर बहुत सारी पुलिस की तैनाती रहती है, जिसके कारण मतलब बहुत कोई मतलब बाजी नहीं ले जा सकते हैं, मतलब ज़्यादा अगर बाजी आप लोग ले जाएंगे, नहीं साउंड बाजी जब ले जाएंगे तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो हम लोग के वहाँ से भी बहुत कोई भैया है जो पुलिस में यहाँ पे काम करते हैं, तो उस हिसाब से मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, तो मैं उस हिसाब से ही सोच रहा था कि सरकार ने कुछ हेल्प अगर प्रोवाइड की होती तो अच्छा होता। तो आपनी मैंने सरकार के की बोलते चाहिए किचुटा किचु बोलबें जे मैंने कि छाड़ फाट हमारे एक सुजोग दवा हक जे किचुटा अंत वेस्ट बेंगल दू घंटार जो अंत बाजी पड़ा दे पब्लिक के जनसाधारण के আমাদের ব্যবসা করার জন্য মূলত এই সিজনটা অন্তত ছাড় দেওয়া, কারণ এই সিজনে সবারই হাত ফাঁকা, কারণ করোনার জন্য বসে যাওয়ার জন্য
সবারই শ্রমিক আছে, তারপরে আমাদের আমাদেরও মহাজনের ব্যাপার রয়েছে পেমেন্ট করতে হবে, সেই জন্য কিছুটা যদি ছাড় দেওয়া যেত খুবই ভালো হতো। দু তিন দিনের জন্য আমাদের দোকানদারির জন্যে আর জনসাধারণের জন্য ঘন্টা দুই এক দিনে কোনো তো বাজি ফাটানোর ছাড়, কারণ বাড়ি ফাটানো ছাড় দিলে তারা কিনেই বা কী করবে। ঠিক আছে, এক্স্যাক্টলি। दिवाली आने से पहले मतलब हम लोग बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं कि इतना पॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन मतलब बड़ी बड़ी जो शादियां होती हैं उनमें कितने लाखों लाखों के पटाखे फट जाते हैं उसका कोई ध्यान नहीं रखता है। हर साल इतने पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसका कोई ध्यान नहीं देता है, पर जैसे ही हम दिवाली को स्टार्ट मतलब दिवाली जैसे आने को होती है सबको मतलब एक एंटी पॉल्यूशन स्टेटस डालना शुरू कर देते हैं कि नो फायर क्रैकर्स, कोई पटाखे मत फटाओ, ये हो। हाँ, और जो लीगल है वैसे पटाखे तो फटाने चाहिए क्योंकि साल में एक बार आती है, तो मेरा तो इसमें यही बोलना है कि थोड़ा बहुत तो बाजी सबको ही फटानी चाहिए, पटाखे सबको ही चलाने चाहिए, वरना इन जो अंकल हैं, इन जो मतलब ये जो दुकानदार हैं इनका क्या होगा, ये भी इससे ही खाते पीते हैं। और इस साल जो मौसम हुआ है, इस साल का जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए अगर अब ऐसे नहीं होगा तो बहुत ख़राब हो जाएगा इनके लिए। तो चलिए थोड़ा दो चार पटाखे की प्राइस थोड़ी पूछ लेते हैं, कैसी प्राइस है। আচ্ছা, এখানে মানে কেমন কেমন মাছ আছে? এ বাচ্চা লোকগুলি ফুল জড়ি। আচ্ছা, ফুল জড়ি, এটা ফুল জড়ি আছে মানে। আচ্ছা, এটা ফুল জড়ি, পাঁচ প্যাকেটস হ্যাঁ ইয়াপে। কত টাকা প্রাইস আছে এটা? 30 রুপিয়া বান্ডিল। আচ্ছা, 30 রুপিয়া বান্ডিল হ্যাঁ, পাঁচ প্যাকেট হ্যাঁ। এক একটা প্যাকেটে কত করে থাকবে? 10 কাটি করে থাকবে। আচ্ছা, 10 রেড কালার আছে মানে এগুলো আলাদা আলাদা ভ্যারাইটিস কালার, আলাদা আলাদা ভ্যারাইটিস কালারও পেয়ে যাবেন। यहाँ पे 30 रुपया मतलब पाँच पैकेट है, मतलब ईच पैकेट का आपको अगर हिसाब लगाएं तो 6 रुपया करके पड़ रहा है। 6 रुपया में आपको 10 स्टिक मिल जा रही है, मतलब जो आपको 50 की तो 6 रुपया, हाँ 6 रुपया में आपको 10 स्टिक मिल रही है, मतलब पूजा करने की धूपबत्ती से भी कम में आपको ये पटाखे मिलता है। और यहाँ पे होलसेल मार्केट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और भी थोड़े पटाखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। মার্কেট তো গত বছরের তুলনায় মানে 25% মানে সেল, তাও এখনও পর্যন্ত আরম্ভ হয়নি। এই 25% সেল মানে ফুলফিল হতে আরও দু তিন দিন সময় লাগবে। 25% সেল মানে আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে এবছরে আমাদের মানে খুবই হতাশজনক পারফরমেন্স বাজি ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীদের জন্য। গত বছরের তুলনায় এবছর 25% মাত্র সেল হবে বলেই মনে হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত কোনো ভিড় সেরকম নেই, হয়তো শনি রবিবার হতে পারে। আর এই বছর তো এমনিতেও কোনো সেল হয়নি, এবার এটাই একটা মানে পিক মোমেন্ট ছিল, সেই সময়ও কোনো সেল হচ্ছে না। আপাতত কোনো সেল হচ্ছে না কোভিড বলে যে কিছু। হ্যাঁ, কোনটা স্যার? 10 টাকা। কোভিড বলে অনেকেও আছে, কিছু কিছু লোক আছে যারা মানে এইসব নিয়ে কেস মানে উত্তেজনা বাড়াচ্ছে যে কোভিড কোভিড বেড়ে যাবে, অমুক বেড়ে যাবে। তাহলে ডিজেল গাড়িগুলো তো আগে বন্ধ করে দেওয়া উচিত, পলিউশন বেড়ে। ডিজেল গাড়ি তো আগে বন্ধ করে দেওয়া উচিত, তাহলে বাজি মার্কেট নিয়ে বাজির কি কতটা পলিউশন হয়। 50 টাকা নিয়ে একটা চক্রান্তই হচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে। আরে এই গানটা অফ করে দিলে ভালো হতো। এই দেখো গানটা তো আমি করতে পারি না বাবা, আবার বলো আবার বলো, নালে আমি কপিরাইট খেয়ে যাবো। এই গানটা আমাকে কেস দিয়ে দেবে, ভিডিওটা চ্যানেলে দেবো তো, এই গানটা আমাকে বলবে তুমি গান বাজিয়েছো, ওই জন্য আবার শুরু থেকে বলো। প্রথম থেকে বলবো? হ্যাঁ, না বাজি বিক্রি করতে দিলে আমরা খাবো কি? হ্যাঁ বলবো, আপনারা আপনারা নিশ্চয়ই বাজি কিনতে আসবেন। হ্যাঁ, আপনারা আসবেন বাজি কিনতে, না এলে আমরা মরে যাব, আমরা বাঁচবো না আর, আমাদের মরে যেতে হবে। হ্যাঁ, ওইটার দাম 10টার দাম 70 টাকা, এইটা 10টা, এইটা 100টার দাম 80 টাকা, এইটা 10টার দাম 30 টাকা, এটা 10টার দাম এটাও 30 টাকা, ঠিক আছে। আপনারা নিশ্চয়ই দোকানটায় আসুন, দোকানগুলোতে আসুন, কেন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা এখানে পুরো খালি আছে। ঠিক আছে, মানে যে হিসাবে ভিড় হয়, যে হিসাবে ভিড়, আপনারা বাজি কিনতে আসুন।
আর এখানে কম দামে বাজি পাওয়া যাচ্ছে না, আমার নিজেরাই বাজি তৈরি করি, আমাদের পাইকারি দামেও বাইরের কাস্টমারদেরও দিই, কারণ নিজেদের আমাদের তৈরি বাজি এগুলো। আমাদের না বিক্রি হলে আমাদের খাওয়া হবে না, এর আমাদের বাজির উপরেই সবকিছু ডিপেন্ড করছে, মানে খাওয়া দাওয়া ডাক্তার বদি সবকিছু, মানে বাজিরই ব্যবসা শুধু আমাদের, আর কিছু নয়। যে আমাদের সাইড ব্যবসা আছে একটা, সেটা থেকে আমাদের খাওয়া দাওয়া চলছে, এটা থেকে আরাম বিলাস হচ্ছে, সেটা নয়, মানে বাজির উপরেই নির্ভর করে সবকিছুই আমাদের। তো আমিও এখানে আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা নিশ্চয়ই এইসব দোকানদারের কথা ভেবে আপনারা দেখুন, পুরো খালি যাচ্ছে এখানে রাস্তায়, এই সব এগুলো সব দোকান, অনেক দোকান তো খোলাও হয়নি এখনও, এই কেন লকডাউন ছিল আর তারপর মানে অনেকেই বুঝতে পারছি মার্কেট সেরাম নেই, সেরাম মার্কেট হলে এরাও এই দোকানগুলোও খুলতো, কিন্তু এখন এই দোকানগুলোও খোলা হয়নি, খুবই খারাপ অবস্থা আছে এখানে। তো আপনারা মানে একটু যদি আপনার সুবিধা হয় তাহলে আপনি নিজের সুবিধা মতো আসুন, ভালোই এখানে কম দামের মধ্যে বাজি আপনি পেয়ে যাবেন, আর বাজির গ্যারেন্টি আছে খুব ভালোই হয়, এখানে অল ওভার ইন্ডিয়াতে এরা এক্সপোর্ট করে, এখানে সবাই আপনারা সবাই জানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে খুব পপুলার আছে। এই প্রাইসগুলো বলবেন, এটা কী আছে আর যে জিনিসটা আছে, ছোট সেল আছে দেখাও একটু, আচ্ছা ছোট সেল আছে, প্রাইস কত হবে এটা? কুড়ি থেকে পঁচিশ প্যাকেট, আচ্ছা পাঁচ পিস করে আছে, আর আর কি আছে? এগুলো সব সেল একই রকম তো সব, এগুলো কপিস আছে ওতে একটা কটা শট, ওটা ওয়ান শট, আচ্ছা আচ্ছা এখানে আচ্ছা এখানে তিন পিস করে আছে বোধ হয়, আচ্ছা আচ্ছা কম দামে তিন পিসের সেল, ইয়ে যো আপ দেখ রে এর প্রাইসটা কত? সবচেয়ে কম দামে 210 টাকা, ভালো বাত, 210 মে তিন সেল আপকো মিল জায়েগা। হাইট কি, হাইট কিতনা হোগা? 300 ফুট হাইট উঠেগা, আচ্ছা ইয়ে হিরো হিরো আর ইয়ে ফানুস, ফানুস 15 টাকা করে, ফানুসটা ক্যানিং স্ট্রিটে দিলে ভালো হয়, আচ্ছা यहाँ पे फानुस इसका प्राइस ये बोल रहे हैं 15 रुपीस और आपके वहाँ पे शायद ये 30 या 35-40 रुपीस में या 50 रुपीस में भी कहीं कहीं मिलता है, ये बहुत पॉपुलर है, ये बहुत कोई आप लोग जलाते हैं, आप लोग डीपी भी देते हैं बहुत कोई, तो एक तो आपके पास रहना चाहिए जिसके जिसको लगा के आप उड़ा के डीपी लगा सके एटलीस्ट, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, यहाँ पे 15 रुपीस में मिल रहा है। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অবস্থা খুবই খারাপ আছে, এবার কোনো কত এটা প্যাকেট, মানে কত করে কটা আছে এখানে? একশোটা আছে, পঞ্চাশ পঞ্চাশ, আচ্ছা একশোটার দাম, বাহ খুবই সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে, তো আমি এটা ভাবছি নেবো, ঠিক আছে আপনারাও এসে নিতে পারেন সস্তায়। হ্যাঁ এগুলো ভালো হয় খুবই, আমিও নাম জানি, আর এই বেল্ডিং ডট পট গুলোর দাম একটু বলে দেবেন, পঞ্চাশ, আর এই চুটপুট টুটপুট গুলো কটা আছে? ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, খুব সস্তায় বাজি পাওয়া যাচ্ছে, আর চরকা যদি ভালো কোয়ালিটির চরকা থাকে তাহলে সেগুলো একটু দেখিয়ে দিয়ে বলে দিন এখানে প্রাইসটা, আচ্ছা চরকার দামটা কত হবে একটু বলবেন? এটা বান্ডিল 50 টাকা, 50 পিস আছে প্যাকেটে 10 পিস করে,
अच्छा अच्छा वाह, आप लोग देख ही सकते हैं इस दुकान में भी कोई कस्टमर नहीं है, मतलब इस साल बाजार बहुत डाउन है, बहुत ही खराब सिचुएशन है, बहुत सारा माल यहाँ पे स्टॉक किया हुआ है लेकिन अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया, कोई रेस्पॉन्स वैसे नहीं है। ज़्यादा कस्टमर नहीं है दुकान, और एक दुकान में आ गए हैं यहाँ पर, देखिए स्टॉक भरा जा रहा है यहाँ पर, कोई कस्टमर नहीं है, खाली चल रहा है। This is Culture Buster. इधर पे भी कोई खाली, पूरा खाली, सब शॉप ओनर्स लोग सो रहे हैं, जो कहानी चल रही है बहुत ही खराब है, खाली दुकान, बहुत सारी दुकानों ने तो खोला भी नहीं है। ये भी खाली है, देखिए सारी दुकान यहाँ पे अभी खाली मिल रही है, मतलब मार्केट एकदम डाउन है पूरा। इधर पे भी चरकी है, कितना है? 25 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया, 40 रुपया, अलग अलग दाम का अलग अलग जैसे मसला हो। सबसे अच्छा चरकी आप दिखाइए, मतलब सब तक बेस्ट जेटा आज आपनर का से ओटा देखान और ओटा प्राइस टैग तो बोलूं, क्योंकि बच्चों लोग, बच्चे को, जो बच्चे लोग होते हैं उनको चरकी बहुत पसंद होती है और हम लोग को भी बहुत अच्छी लगती है जब वो घूमती है, एक सर्कल सा बनाती है। तो ये इनके पास है बड़ी चरकी, 80 रुपया, 80 रुपया पैकेट है, पैकेट। कितना पीस है? 10 पीस, 10 पीस 80 रुपीज़। बहुत बहुत मैंने टाइम अनेक बहुत देर तक। और कुछ यूनिक कुछ है आपके पास, यूनिक अलावा? अच्छा, सेल की तरह आप देने से दो तला हाइट जाएगा, नोट बट जाएगा। अच्छा, ये सेल है एक्चुअली, सेल ऊपर जाएगा कत, एक तो एक्सप्लेन कर दिन ভালো করে। दो तला हाइट जावे गियर, पूरा नोट 500 पीस मत नोट আছে, পুরো নোট টাকা পড়বে। अच्छा, प्राइस? प्राइस 320 रुपया, एक पीस ना, दो पीस है बॉक्स में। दो बार कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, रात में कर सकते हो। वाह, ये बहुत ही एक यूनिक आइटम है, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और सेलर की प्राइस आज मिनिमम थे के मैक्सिमम एक तो बोले दिन ताओ मिनिमम अपना ये जो शॉट है 12, इसमें 12 डो निकलेगा, ठीक है? अच्छा, 150 रुपया दाम है, एक बार आंख देने से कंटिन्यू 12 बार छूटेगा। 12 शॉट्स आज एटा कत हाइट को? हाइट 50 फीट तक, 50 फीट। अच्छा, ये और प्राइस? 150 रुपया, 150 रुपया। और सेल जो सिंगल सिंगल सेल होता है, ठीक है, जो ये वाला सिंगल सिंगल बॉक्स में तीनों अलग अलग, ठीक है, ये इसका हाइट है 200 फीट तक जाएगा और 200 रुपया से शुरू है, 200 से आप 500 रुपया तक है। तीन सेट का 2 सेट का भी मिलता है, अलग अलग वैरायटी है, 2-4 फीट है दिया। सेल टेंट खुलो, किचु किचु छाड़ दिला मुझे चले। और तुबड़ी, तुबड़ी अनार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में उसको तुबड़ी कहा जाता है, यहाँ पे हैंडमेड रहती है। देखिए कितने बड़े बड़े, मैंने तो देखिए दादा, ये देखो कत बड़ो बड़ो तुबड़ी आज 15 रुपया 20 रुपया, ये 20 रुपये की है ये, और ये 15 रुपीज़। और मतलब किचु गारंटी आज ये? हाँ, एकदम 100% गारंटी, 100% गारंटी आज। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप ज़रूर इधर आके बाजी लें, यहाँ पर मतलब बहुत ही किफ़ायती प्राइस में मिलती है। और आप लोग जो अपने घर के वहाँ से लेते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ मार्जिन ज़्यादा देनी पड़ जाती होगी, जिसके वजह से मतलब उनका प्रॉफिट हो जाता है और आपको खुद ही पता हो जाएगा आप इनके ही प्राइस। और यहाँ पर आपको वैरायटी भी बहुत सारा मिल जाएगा और किफ़ायती भी होगा, आप एक साथ बहुत सारा बाजी लेके अपने हिसाब से आप ले सकते हैं आपको जो जो चाहिए, क्योंकि पटाखे तो घर में सब कोई फड़ाते हैं थोड़े बहुत करके। फुलजोड़ी है? अच्छा, फुलजोड़ी है, फुलजोड़ी है जो। अच्छा, ये फुलजोड़ी 5 पैकेट्स है यहाँ पे। और कत टाका प्राइस आछे एटा? 30 रुपया बंडल। अच्छा, 30 रुपया बंडल है, 5 पैकेट है, एक एकटा पैकेटे कत करे थाकबे? 10 काटी करे थाकबे। अच्छा, 10 रेड कलर आछे, माने एगुलो आलादा आलादा वैरायटीज कलर, आलादा आलादा वैरायटीज कलरो पे जाबेन। आप यहाँ पे 30 रुपया, मतलब
पाँच पैकेट है, मतलब ईच पैकेट का आपको अगर हिसाब लगाएं तो 6 रुपये करके पड़ रहा है। 6 रुपये में आपको 10 स्टिक मिल जा रही है, मतलब जो आपको 50 स्टिक, हाँ 6 रुपये में आपको 10 स्टिक मिल रही है, मतलब पूजा करने की धूप बत्ती से भी कम में आपको ये पटाखे मिलता है। और यहाँ पे होलसेल मार्केट है, ये भी मैं आप किसी भी दुकान में कोई कस्टमर आपको नहीं दिख रहा होगा इस वक्त, बहुत ही मार्केट बहुत ही ख़राब है। और ये मतलब ज़्यादा अंदर भी नहीं है, ये सारी दुकान ऑन द रोड है, मतलब थोड़ा सा अंदर आएंगे मार्केट के और उसके अंदर आके ही आपको ये सारी दुकान मिलेगी, लेकिन सब खाली, सब खाली, किसी पे कोई कस्टमर नहीं है। और जो ये दिवाली और काली पूजा, ये मतलब यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और वहाँ पे बहुत सारे ये पटाखे वगैरह जो होते हैं, हाई करो हाई करो, हाथ नड़िए दो एटू, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम कोई कस्टमर नहीं दिख रहा है, बहुत ही खाली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी दुकान आप देखिए, फिर से एक दुकान खाली, खाली ही खाली दुकान है, हर तरफ दुकान खाली। खाली खाली, ये भी खाली, दुकान खाली है, হ্যাঁ কোনো কাস্টমার নেই আজ, ফাঁকা, বনুয়াটাও হচ্ছে না, ঠিক আছে, সারাদিন রাস্তায় দেখবেন একটাও লোক নেই, ব্যাক করুন, খালি। এই সময় আমাদের প্রচুর বিক্রি হয় আর এই বিক্রির সাথে মানুষের জীবিকা নির্বাহ থাকে, ঠিক আছে। আর এই লকডাউনের মধ্যে মানুষের খুবই দুর্দশার মধ্যে কাটছে, অবস্থা ভালো না। তো আমাদের এতগুলো আগের মাসগুলো তো আপনারা নর্মালি কাটিয়েছেন, ওই সময় তেমনও সেইভাবে বিক্রি হয় না, কিন্তু এই সময়টা পুরো পিক সিজন, এই সময়ই আপনাদের যা ব্যবসাটা হয় সেটা একদম টপে হয়, এবার থেকে শুরু হলো আর কি, এখন চলবে। তো এই সময় যদি না হয় তাহলে খুবই খারাপ অবস্থা এখন, হ্যাঁ খুবই খারাপ অবস্থা হয়, এইটাই এই সপ্তাহটাই আর কি আছে, এই সপ্তাহটাই আছে। যদি একটু বিক্রি করার অনুমতি দেয় বা একটু কাস্টমার আসে তাহলে আমাদের খুব উপকার হয়, গরিব মানুষের। मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप ये बीड़ी सिगरेट ना पिए इसके अंदर जाकर, इस मार्केट के अंदर जाकर, क्योंकि ये एक पटाखों की मार्केट है तो कुछ ख़राबी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भरी हुई दुकानें, एक दुकान से सटी हुई और एक दुकान है उसके साथ ही और पूरा अंदर ही अंदर बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप ये सब ना करें इसके अंदर। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस कोरोना को ना भूल जाएँ, इस महामारी को ना भूल जाएं, इसके इससे रिलेटेड जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो अपने पास रखें, सैनिटाइजर्स रखें, और अपने आप को, अपने हाथों को किसी भी दुकान में जाने के बाद या जाने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करें और हमेशा मास्क पहने रहें। आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं कभी कभी मास्क खोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे अपना चेहरा दिखाना ज़रूरी पड़ता है, इसीलिए मैं अपना चेहरा दिखाते हुए बात करता हूँ उनसे। और मैं हमेशा ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं जब भी किसी दूसरे के पास जाता हूँ, दूसरे किसी दुकान में गया हूँ, तो मैं उससे पहले अपने हाथ सैनिटाइज कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं निकलता हूँ तो मैं अपना मास्क पहन लेता हूँ। तो आप मेरी कॉपी मत कीजिए, ठीक है, और आप मेक श्योर कीजिए कि आप सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पटाखे की मार्केट है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस होते हैं, जो भी सारे नियम होते हैं उनका पालन कीजिए। मैं जानता हूँ आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन समझदारी में ही समझदारी है, आप सारे नियमों का पालन कीजिए और अच्छे से आइए यहाँ पर, सारी खरीदारी कीजिए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत कम रेट में आपको पटाखे मिल जाएंगे। और ये जो इंडस्ट्री है, ये जो छोटे छोटे इंसान हैं, ये जो छोटे छोटे दुकान चला रहे हैं, इनका भी पेट चलेगा, बहुत दिन से इनके भी हाथ खाली हैं, ये पूरी साल ही सबके लिए ही खाली गई है, तो आप ज़रूर आएँ, मदद करें।